नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता की वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस कारण योगी आदित्यनाथ को फिर से वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश भर में भाजपा कार्यकर्ता यूपी पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार के भागलपुर जिले से भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर वहां पहुंची हैं। उनके साथ महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री माला सिंह, महिला मोर्चा की बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबीता मिश्रा और भाजपा विजय मिश्रा मंडल की मंत्री सुनिधि मिश्रा, दुर्गावती देवी भाजपा बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूबी दास शामिल हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर भागलपुर में तेज तर्रार युवा नेत्री हैं। वहीं आपको बता दें, यहाँ की वार्ड पार्षद भी हैं। भागलपुर नगर निगम की उप महापौर भी रह चुकी हैं। दर्शकों से भाजपा से जुड़ी हैं। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए अभी हुए बिहार प्रदेश भाजपा की कार्य समिति सदस्य हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी कमल खिलेगा। वहीं आपको बता दें, लोगों के जुबान पर योगी आदित्यनाथ का नाम है। कोरोना काल में उन्होंने पूरे देश में बेहतर कार्य किया है। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य भी यहां खूब तारीफ हो रही है। इसीलिए केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की जोड़ी कायम रहेगी। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि अभी वे कानपुर में है भाजपा संगठन में। उन्हें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाया है। वहीं आपको बताते चले, भागलपुर की टीम अभी फतेहपुर जिले में है। इस जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। डॉक्टर प्रीति शेखर को फतेहपुर सदर की जिम्मेदारी दी है। यहां के आज भाजपा विधायक विक्रम सिंह से मिले। हालांकि अभी यहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर प्रीति शेखर ने बैठक की, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिली। वे यहाँ महिला शक्ति महासंपर्क अभियान का नेतृत्व कर रही है। कहा कि वे 2 सप्ताह यहाँ रहेंगी, बूथ स्तर तक का कार्य देखेंगी। वहीं महिलाओं से बातचीत होगी। केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने एक बार फिर भाजपा को वोट देने का मन मान लिया है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट हो रही है। अन्य राज्य के कार्यों को समझने काफी उन्हें मौका मिलेगा। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि यूपी में भाजपा काफी मजबूत है। वहीं आपको बता दें, सभी प्रत्याशी योग्य हैं। इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें आएंगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाने के बाद लोगों की उम्मीद भाजपा की ओर बढ़ गया है। यहाँ राम राज है। बिहार के भागलपुर जिले के बीरपुर विधानसभा के भाजपा विधायक ई कुमार शैलेंद्र 26 दिसंबर 2021 से ही उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। वहीं अभी बनारस लोकसभा के कैंट विधानसभा में हैं। इस विधानसभा के प्रभारी हैं। उन्हें कहा कि बनारस लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट है। सभी सीटों से भाजपा की जीत होगी। यहां 7 मार्च को चुनाव है। 5 मार्च को वे यहाँ से बिहार के लिए निकल जाएंगे। वहीं आपको बता दें, यूपी में इस बार भी योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। वाराणसी के कैंट विधानसभा अंतर्गत रविदास मंडल में मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न पटेल अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक हुई है। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि प्रवासी प्रभारी विधायक ई कुमार शैलेंद्र ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है, सभी हर घर जाकर जनता को मोदी एवं योगी के जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराए हैं। का लाभ